हाय एवरीवन, तो बिफोर क्लास रे हम मोदले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑलरेडी गिवन पडतले, तो टू रिएक्शन आपण पडतले, रिएक्शन होती एलसीएन और नेक्स्ट पडतले रिएक्शन होती सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो थर्ड रिएक्शन आपण पडिवा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रो थर्ड रिएक्शन पडिवा कोण ना नेक्स्ट पडिवा थर्ड रे रिएक्शन विथ अल्कोहल रिएक्शन विथ अल्कोहल एल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल अल्कोहल आर ओएच एल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल ना ये जाएगी ना कौन करिबो H plus पट्टा करिबो ला H plus पट्टा करले पारे आम कौन हो देखो ये अपने दिले की बात देखो R C H ला कौन ला R R C H बुझो ने तापरे कि आपने फिर ये दिले करिबा R C R C यार लिख दियो H बुझेला आर सी एच तापरे कोन हला ओ एच ओ माइनस एच प्लस कोन हला ओ एच ओ एच आर सी एच ओ माइनस एच प्लस कोन हला ओ एच तापरे कोन आटा कला ओ ओ माइनस आर डैश कापो जे कार्बोनिल कार्बन पाटा करू तो एट कोन जबो ओ आर डैश এটা কোন করিবা অ্যালডিহাইড রিঅ্যাক্ট হইছি অ্যালকোহল টু ফর্ম হেমি অ্যাসিটাল এই ফর্মটা কোন করিবা হেমি অ্যাসিটাল হেলা দেন হেমি অ্যাসিটাল রিঅ্যাক্ট হইছি রিঅ্যাক্ট হইছি আনাদার মলিকিউল অফ অ্যালকোহল अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल देखो ये नहीं जी आर ले जी आर डैश देखो नो जी आर डबल डैश हैला एटु कोन आबो ना एटु ओएच माइनस एटु कोन पड़ेबा तुम्हारो ना एटु लिखिया ओएच एटु जीवो एच प्लस ओएच माइनस एटु कोन होला एच प्लस ये कोन होला ओ माइनस एटु एटु पड़ेला कोन रिलैक्स नेक्स्ट कोन लिखिया आर सी एच ओ ओ आर डबल डैश ओ आर डैश प्लस वाटर ओएच माइनस एच प्लस वाला वाटर एटा कौन कौन वाला एसिटाल तो फॉर्म होगा एसिटाल बुझ पा नहीं तो एल्डिहाइड रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म हेमी एसिटाल देन हेमी एसिटाल रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म कौन एसिटाल बुझो जी तो सही पर आप कौन करिए आज अगर एग्जांपल ले जीवा आज अगर पुट कर लेते हैं कौन पुट कर ली सीएसटी सीएसटी पुट कर लिया ना कौन हो एसिटाल डिहाइड सीएसटी पुट कर कौन हो ये ना एसिटाल डिहाइड एसिटाल डिहाइड हेलो एसिटाल डिहाइड इधर आज जैसे अगर पुट कर दी कौन आज जैसे बता रहे पुट कर दबा ओ फास्ट लिख दो तुमको बुझी हो गड़ा आ तो मैं रिएक्शन में कौन लोग कंफ्यूज रहेगा क्या मतलब देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H ला याना का एसिटाल डिहाइड एसिटाल डिहाइड बाम रिएक्ट करिया का आसतो अल्कोहल सहित लगने दिया आदेश अगर पुट करले C2H5 ओएच तो काम कौन कहेगा इथाइल इथाइल अल्कोहल
ला तो ये कौन है जो O minus ये अब H plus तो O minus आते जाते हैं हम करीबो कार्बनिक कार्बन पार्ट करीबो ये आ रही थी वो ये कौन है नेगेटिव चार्ज का करीबो पॉजिटिव चार्ज का था करीबो देने कौन है वो हमने लिखा CH3CH ला तब पर कौन है ला O minus H plus कौन है वाला OH तब पर ये कौन है वाला O C2H5 এটা কোন ফর্ম হেমি অ্যাসিটাল হেমি অ্যাসিটাল ফর্ম দেন ইয়া পার মে কার সাথে রিঅ্যাকশন করিবা কোনে আউট অ্যালকোহল সাথে রিঅ্যাক্ট করিবা দেন C2H5 OH নালি তো এটা নাও কোন এডো H এডো OH মাইনাস জিবাই তো নেক্সট কোন হবো CH3 C H O C2H5 এটি কোন হইব O-C2H5 O-C2H5 প্লাস সাথে সাথে কোন আইব H2O বুঝলে তো এটা কাম কো ফর্ম কইবা অ্যাসিটাল ফর্ম অ্যাসিটাল ফর্ম দেনে তো অ্যাসিটাল দিয়ে এর দিয়া কইতি ইথাইল অ্যালকোহল তো ফর্ম হচ্ছে অ্যাসিটাল হেমি অ্যাসিটাল যে দিয়া কইতি আনাদার মলিকুল অফ অ্যালকোহল তো ফর্ম অ্যাসিটাল नेक्स्ट हमने नवा का सहित कीटोन सहित आज नेक्स्ट से जेमि रिएक्शन पद का सहित करिया कीटोन रिएक्शन होई थी अल्कोहल के का सहित रिएक्शन करियो अल्कोहल ता ना कीटोन सहित आपने रिएक्शन करिया काको अल्कोहल एक जो नवा देखो आमे एल्डिहाइड केस रे कोन कहिले ना एल्डिहाइड केस रे आमे कोन कहले ना एल्डिहाइड केस रे आमे कोन कहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करे जो आमे लेथिले आर ओ एस कि तुम जो देखि रहो C2H5OH एटा उठे को अल्कोहल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कोइने ले जे जदी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कहबा ना जो रे कहिथिबो गुटीए फंक्शनल ग्रुप लागिथिबो OH ग्रुप लागिथिबो त कहबा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दीटा ओएच ग्रुप लागले त काबो या डाइहाइड्रिक अल्कोहल तीनटा ओएच ग्रुप लागले त काबो या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल सेही परि कीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मन रखिबो कीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ताले कीटोन का से रिएक्ट करिवो डाइहाइड्रिक अल्कोहल से कीटोन का से रिएक्शन करिवो डाइहाइड्रिक अल्कोहल त हम कोन करिवा ना कीटोन केस राम कोन करियो डाइहाइड्रिक माने कीटोन रे एग्जांपल ले जाय डायरेक्ट है एटा कीटोन रो एग्जांपल हम बेस्ट एग्जांपल का आपन लिया जाय एसीटोन का आपन लिया जाय एसीटोन एसीटोन फॉर्म आपन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एटा कोन कोन कहबा एसीटोन एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एटा कोन एसीटोन ए एसीटोन को हम कास रिएक्ट करबा डाइहाइड्रिक अल्कोहल माने जते दीटा ओएच ग्रुप थिबो वाला अल्कोहल से हम रिएक्ट करू करबा डाइहाइड्रिक अल्कोहल हैला डाइहाइड्रिक अल्कोहल जते अल्कोहल पड़ी थी से हम दे एग्जांपल ले थी जेडे को को बले CH2 को को हम बले एथिलीन CH2 को हम बले एथिलीन अब देखा ओएच ग्रुप लागे त पता सको हो एथिलीन ग्लाइकोल एना कोन कॉमन नेम कोन एथिलीन ग्लाइकोल बुझले कॉमन नेम वाला एथिलीन ग्लाइकोल जो काम को हो या अपन यदि 1 नवा या अपन 2 नवा त कोन होगा ना इथेन 1 2 डाई ओल हैला अल्कोहल पाइप लागे ओल त हम लिख पाइबा एथिलीन ग्लाइकोल लिख लेबे हो इथेन 1 2 पाइ दिटा कारण पाइ कोन हो इथेन 1 ले अल्कोहल 2 ले अल्कोहल तो 1 2 डाई ओल रिएक्शन से रिएक्शन करले कोन होबो ना एडो ओ एडो एच एथु एच जिबला नै एडो कोन जिबो ओ एथु कोन जिबो एच एथु कोन जिबो एच कोन पहिला वाटर हैला वाटर जो जिबो नेक्स्ट कोन होबो नाम रहले आइ कोन सी एच 3 सी CH3 हला तब पर केतका बन अछि दिटा बन अछि ना एडा होटे बॉन्ड रहबो या उटे बॉन्ड रहबो एटू बॉन्ड जाय छि हाइड्रोजन त रहला किए ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर किए CH2 तब पर एटू जाय छि हाइड्रोजन एडो ऑक्सीजन न पड़ी छि
तो ए कौन अच्छे ए गोटे कौन अच्छे तो ये लगे कि ऑक्सीजन सी एच टू तो ये कौन अच्छे बॉन्ड तो एसीटोन रिएक्ट हुई थी एथिलीन ग्लाइकोल टू फॉर कीटाल वही फॉर्मूला का कौन कहेगा कीटाल अब कीटाल को फॉर्म कहेगा साइक्लिक कीटाल को कीटाल कहेगा साइक्लिक कीटाल कौन कहेगा साइक्लिक कहेगा देख लो ये साइक्लिक फॉर्म है नहीं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर साइक्लिक कीटाल हां ना फाइव मेंबर पढ़े थे फाइव मेंबर रिंग रो फोर्थ जो रिंग टा है जी साइक्लिक फॉर्मेशन को मैं फाइव मेंबर साइक्लिक कीटा आसो तो मारबो वाटर बुझेला तो ये को लिख परबो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ी हमें रिएक्शन होई थी अमोनिया रिएक्शन विथ अमोनिया फोर्थ नंबर रिएक्शन फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आला बड़ा रिएक्शन होती है अमोनिया तो हमें एल्केन कीटोन को रिएक्ट करवा अमोनिया से तो देखो फर्स्ट यदि हमें नवा दे आइबीट्रे नवा आइबीट्रे का एग्जांपल नवा दे फॉर्मल्डिहाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ एच हला ए फॉर्मल्डिहाइड का कौन लिख परबा देखो सी एच एच तो कौन होगा सी एच टू सी एच एच सी एच टू ओ सी एच ओ हला तो हम कौन करेगा ना सिक्स मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कितने मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सिक्स मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जते बेले आमे फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया सहित रिएक्शन करबा तो रिएक्शन हम हम ना 6 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड नवा 6 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट होई थी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामेथिलीन हैला हेक्सामेथिलीन अमीन देखो केमथि हबो रकम को की यूरोट्रोफी ना CHH वाला CH2 हो ना CH2 कितना आची 6टा तो CH2 होल 6 नाइट्रोजन कितना आची 4टा N4 बुझे पाले पांच हम कौन कहेंगे देखो CH2 गुट्टे फॉर्मल्डिहाइड है CH2 गुट्टी है 6टा फॉर्मल्डिहाइड कौन है CH2 6टा तो CH2 होल 6 तो CH2 को कौन बजाए मेथिलीन CH2 को कौन बजाए मेथिलीन फर्स्ट ईयर कौन दे दे CH2 डकाम बजाए मेथिलीन तो कौन नाइट्रोजन के साथ चट्टा तो डकाम कौन बजाए 6टा मेथिलीन चार रहे ना करो हेक्सा 6टा कौन कौन बजा हेक्सा CH2 ना करो मेथिलीन हेक्सा मेथिलीन एटा कार डेरिवेटिव नाइट्रोजन को आसी अमोनिया रसी तो अमोनिया रस करो कौन बजा हेक्सा मेथिलीन अमीन हेक्सामेथिलीन अमीन बुझला नै आउ ता से तो पर बारे मो देखो एडु नाइट्रोजन 4टा पड़ेला एडु CH2 6टा पड़ेला आ बोलला कोन ओ 6टा रहला आ नाइट्रो जो हाइड्रोजन 4 3 12 देखो 4 तेते के जगह छ 3 तो 4 3 12 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन तो को मारबो 6H2O 6H2O 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन को मारबो 6H2O तो एडा को कह दे अपन हेक्सामेथिलीन अमीन हला तो मोर मेन प्रोडक्ट जा को कह दे और कोन कह जाए इरोट्रोफी कोन कह जाए इरोट्रोफी ला तो हमें लिख पर अपन द 6 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद 4 मोल्स ऑफ अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामेथिलीन अमीन और इरोट्रोफी तो मोर बेले बेले क्वेश्चन कोन कह जाए राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इरोट्रोफी राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इरोट्रोफी जो हमें इरोट्रोफिन रो मॉलिक्यूलर को ना पाइले CH2 होल 6 N4 तारो कौन पचारिबो स्ट्रक्चर पचारिबो ए स्ट्रक्चर पचाला त हम केम दि लिखिबा देखो
ना एरोटोपिन स्ट्रक्चर करे पर जानती कोन ना बेंजीन रिंग जानि छ त बेंजीन रिंग को मन रखिना या को तमे लिखबो हला तो बेंजीन रिंग रे कोन अछि ना बेंजीन रिंग रे कोन 6 नंबर ही त तुम कोन करबो ना एन तापर के होबो ना CH2 CH2 तापर नेक्स्ट रहबो एन तापर नेक्स्ट रहबो या पाई एन तापर कोन हला CH2 अरे कितने नंबर रिंग कॉली देखो 6 नंबर रिंग 1 2 3 4 5 6 6 नंबर रिंग पर देली किंतु एते गोटे कथा कोन जानि लो ना दीटा नाइट्रोजन भितरे के इंटरफेयर करथुवा मेथिलीन ग्रुप दीटा नाइट्रोजन भितरे के में इंटरफेयर करबा मेथिलीन देखो ए दीटा नाइट्रोजन भितरे में के इंटरफेयर कर जे मेथिलीन ए दीटा नाइट्रोजन भितरे के में इंटरफेयर कर जे मेथिलीन ए दीटा नाइट्रोजन भितरे इंटरफेयर कर जे मेथिलीन बुझले ने तो तीनटा नाइट्रोजन वाला आ कितना नाइट्रोजन रहला आ गुटे रहला तो कोन करबो ए नाइट्रोजन से इंटरफेयर के करबो मेथिलीन बुझियो जी ए नाइट्रोजन नाइट्रोजन से इंटरफेयर के करबो मेथिलीन ए नाइट्रोजन नाइट्रोजन से इंटरफेयर के करबो मेथिलीन बुझियो जी एटा कोन ना स्ट्रक्चर ऑफ एरोटोपिन जदी पचारे राइट स्ट्रक्चर ऑफ एरोटोपिन तमे ए लाइन रो स्ट्रक्चर करबो बुझियो जी एटा कोन स्ट्रक्चर ऑफ एरोटोपिन तो ए एरोटोपिन कोडे यूज करा जाय जदी पचारेबो यूजेस ऑफ एरोटोपिन ना तमर जो यूरिनरी इन्फेक्शन हुए जो यूरिनरी इन्फेक्शन हुए ता पई जो मेडिसिन तयारी हुए सेहिरे यूज हुए इरोटोपिन यूरिनरी जदी पचारीबो यूजेस ऑफ इरोटोपिन ना लिखिबो ना इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन हला ये मेडिसिन हाबर यूज हुए फॉर कोदि पई यूरिनरी इन्फेक्शन पई बुझी होते तो नेक्स्ट हम जब फॉर्मल के हेल्प रिएक्ट करले नेक्स्ट आप क्लास रिएक्शन करबा एसिटाइलीन सेकंड रिएक्शन दा क्लास रिएक्शन करबा एसिटाइलीन एसिटाइलडिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया ये सिंपल रिएक्शन करबो तापर रिएक्शन करबो नाही तो सिंपल रिएक्शन केमिति करबो देखो नाइ अमोनिया को था नाइट्रोजन का कथा है लोन पेयर हो नहीं पर नाइट्रोजन और पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड को जदी के लोन पेयर अछि तो ई लोन पेयर अटैक करबो हला लोन पेयर जते बे अटैक करबो जते अटैक करबो ये इयाड जइबो बुझलो ने ये कोन हबो नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज हबा द्वारा ये कोन जइबो CH3 C O O माइनस एडा सिबो कोन H n la n s n h2 h हमरे पावर इलेक्ट्रॉन दे दे छी त नीचे पावर पॉजिटिव चार्ज त ई पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करिया पाई n इजबो h+ को ये कोन इजबो h+ को एई बॉन्ड साइड ए कोन करिवो न्यूट्रल करिवो कोन करिवो न्यूट्रल करिवो देन ए रिएक्शन कोन हबो CH3 C O minus O minus H plus कौन वाला OH तापर कौन वाला H C H ऐसे तो कौन अच्छी ना पॉजिटिव चार्ज वाला से इलेक्ट्रॉन कौन आने वाला H वाला तो कौन वाला NH2 कौन वाला NH2 कुछ बात नहीं then यहाँ पर जितना हमें कौन करेगा heated करेगा कौन करेगा heat करेगा ये जो OH minus ये जो जीवाणु तो वाला H plus ये जो OH minus ये कौन जीवाणु H plus ए बॉन्ड आ सिनेमा करिवे कि शिफ्ट कर दियो हला जापर कोन हिजबो CH3 CH डबल बॉन्ड NH हला CH3 CH डबल बॉन्ड NH प्लस प्लस वाटर एटा काम कोन कहला इमिन कोन कहला इमिन बुझबा नै तो सही परी या को कोन बोलियु ते माने तो को लेंदी मेथड ए बतै देबु बुझला नै एक्चुअल जणा मेकॅनिज्म किंतु आप यदि शॉर्टकट रे हम बतेबा तो शॉर्टकट रे बतेले केने करिया तो हम तो लेंथी मेथड में मन रख लिया ना एते रिएक्शन अछि तब हम शॉर्ट ट्रिक रे मन रख लिया देखो CH3 C डबल बॉन्ड O एथिला हमरा H तो अमोनिया का हम कोन देले NH3 लिख देले जो NH2 नाम लिखिरा भांगी देले को मिलबो NH2 - H+
यदि हम यहां पर भांगी बा कौन मिलबो NH3 - H+ तो नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करबो ये जीव ठीक ही ये हो माइनस ए माइनस का काटा करबो पॉजिटिव एला नेक्स्ट प्रॉब CH3 C ये जीव कौन ना C CH CH तबर रे कौन O- H+ O- H+ कौन जीव OH हला ओए छेला तब क्लास ला NH2 लागला NH2 ले करी कोन NH बॉन्ड H देन हीटेड एडा का कोन बला एसिटाल डिहाइड अमोनिया एसिटाल डिहाइड या कुछ अमोनिया पाबेला हमको एसिटाल डिहाइड अमोनिया तो एडो जीव OH माइनस एडो जीव H प्लस वाटर पड़ेबो तो ये बॉन्ड जाना एति शिफ्ट करबो बुझियो जे तो ये कहला CH3 CH डबल बॉन्ड NH हला एटा का बोले इमीन प्लस वाटर तमे एती के लिखबो से जेंदी मेथड करबो नाही हला तो लास्ट वन रिएक्शन है जे रहला कीटोन कोन रहला कीटोन कीटोन टाइम केमि करबा देखो कीटोन केस रे इन केस ऑफ कीटोन हम एग्जांपल का बनावा एसीटोन एसीटोन सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री कीटोन एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल की है एसीटोन ला एसीटोन को जितना हमें अमोनिया सहित रिएक्शन करबा एसीटोन रिएक्ट होई थी अमोनिया हमने भांगी देबा कोन हो NH2 माइनस H प्लस तो ये माइनस है ना या को अटैक करबो तो अटैक करबो ये एट की जीवो ये हो माइनस ए माइनस टाटा करबो का को ए माइनस टाटा करबो H प्लस को तो उन H प्लस बटा करबो ये कोन हो जीवो CH3C हला CH3 डबल थ्री देखो ए CH3C तो को कोन आसीबो CH3 लिखियो कोन पाइले रिएक्शन रो बेस्ट रिएक्शन ने मन रे पाए तो लिखियो छला ई तमे लिखो तो मन चले लिखियो लिखो कोन थिला CH3C CH3 तापर कोन आला ना ये हला कोन हो O माइनस H OH ये कोन आइबो NH2 हला एडा मेला कोन एसीटोन रिएक्ट होई थी अमोनिया टू फॉर एसीटोन अमोनिया ए एसीटोन अमोनिया ला फर्दर रिएक्ट करबो एसीटोन अमोनिया ला का रिएक्ट करबो का सतो ना एसीटोन अमोनिया ओ डबल एच तो जीमो CH का को फुकने जाओ जी CH3 OH लेकिन NH2 बुझ नै क्लिक करबी तो सेम टू सेम रहले दो CH3 CH3 OH NH2 ए एसीटोन अमोनिया फर्दर रिएक्ट होई थी एसीटोन फर्दर रिएक्ट होई थी एसीटोन एसीटोन सहित रिएक्शन करले कोन होबो ना इडो का कोई अल्फा कार्बन एते जो हाइड्रोजन थाए अल्फा हाइड्रोजन ना लॉस होबो आ बोले कि CH2 बॉन्ड H ला एसीटोन अमोनिया रिएक्ट होई थी एसीटोन हला रिएक्ट रिएक्ट करबो रे बाबा अल्फा कार्बन कंसा ग्रुप रो नियरेस्ट कार्बन कोन कोइबा अल्फा कार्बन एते जो हाइड्रोजन अछि त कोन कोइबा अल्फा हाइड्रोजन तो एटु जीव OH माइनस एटु जीव H प्लस एटु OH माइनस एटु कोन जीव H प्लस लागि जीव बुझले नै तो नेक्स्ट कोन हबो ना CH3 C CH3 हला तब एटु कोन होला NH2 NH2 तापर कोन मिला एटा देना ए देखो OH माइनस H प्लस वाटर पड़ेला ए जो देना ए के कोन जीवो ए इलेक्ट्रॉन दा ये नबो ये कोन हो नेगेटिव चार्ज ए नेगेटिव चार्ज दा ये पटा करबो कोन जीवो बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 हला ता सतो कोन मारियो प्लस वाटर हमारे प्लस वाटर एटा का कोन कहला डाईएसीटोन अमोनिया फर्स्ट वाला एसीटोन रिएक्ट होई थी अमोनिया टू फॉर्म एसीटोन अमोनिया एसीटोन अमोनिया फर्दर रिएक्ट होई थी एसीटोन टू फॉर्म कोन होला ना डाई एसीटोन दीटा एसीटोन जॉइंट होई थी डाई एसीटोन अमोनिया तो ये थी रिएक्शन ऑफ अमोनिया।